मोहित पैसा आप क्या मतंग पैसा थर्ड आई लगी हुई है कैमरा हर जगह What's up is down, what's left is right. Hello guys, welcome back to my channel Ankuri Bindas. और अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए सेंटर पॉइंट अपार्टमेंट. वहाँ पर मुझे वटसावित्री में एक यूट्यूबर मिली थी. मैंने मेंशन भी किया था कि वो यूट्यूबर है और बहुत जल्दी हम उनसे मिलेंगे. बस मैंने बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स रख लिए हैं क्योंकि उन्होंने बस कल ही मुझे इनवाइट किया तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था क्या रखना है क्या लेना है. तो थोड़े से चॉकलेट्स क्योंकि उनके पास ट्विंस हैं तो मैंने थोड़े से चॉकलेट्स रख लिए उनके लिए. मैंने ये इयररिंग्स मंगवाए हैं H&M से क्योंकि मुझे कुछ ऐसे इयररिंग्स चाहिए थे जो किसी भी ड्रेस पर पहन सकूं है. और ये चप्पल भी मंगवाई है और रेडी हूँ जाने के लिए. हाय गाइस, तो हम वहाँ से आ चुके हैं और मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जिनसे मैं मिलने के लिए गई थी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. हमने काफी सारी बातें की, काफी अच्छा लगा बात करके. मोहित आपको कैसा लगा बात करके उनसे? बहुत ही अच्छा लगा, काफी उनका विचार काफी उनके काफी अच्छे हैं और थॉट प्रोसेस काफी सही है. मतलब विनर्स एटीट्यूड है उन लोग के अंदर. तो वो जो चीज था और बड़े सिंपल लोग थे तो बहुत अच्छा लगा उनके यहाँ जाके. ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब पहली बार किसी से मिल रहे हैं. सो दैट इज वन रियली ग्रेट थिंग अबाउट देम. हाँ, तो उनका घर भी काफी सुंदर था जो मैं कभी और जाऊंगी तो आपको व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि आज हम पहली बार उनके घर गए थे इसलिए मेरा इतना मन नहीं था. मेरे को लग रहा था कि बातें कर लेते बैठ के वो ज्यादा अच्छा रहेगा. सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वहां का. लेकिन अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जाते हैं. चलो बने रहो मेरे व्लॉग में. तो हम आ गए एटलांटिस. तो हम आ गए हैं पाम. वैसे हम इस तरफ कभी नहीं आए अटलांटिस, उस तरफ गए. एक गलत मोड़ पे हम करके इधर पहुंच चुके हैं पाम. तो दूसरे साइड यहाँ से पूरी स्काईलाइन भी दिख रही है और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है इधर. जुमेरा जबील रेसिडेंसेज है और काफ़ी सुंदर सा है. वेदर भी काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है. अभी जून चल रहा है और वेदर काफ़ी कूल है, मज़ा आ रहा है. और मोहित गाड़ी पार्क कर रहे हैं. देखो इसका नाम है जुमेरा जबील रेसिडेंसेस. और रुको दिखाती हूँ एक. वो सारी दुबई स्काईलाइन दिख रही है. बेसिकली वो दुबई मरीना है जहाँ पर दुबई आई भी है बट अभी बहुत लेट हो गया है. वो देखो ये दुबई आई है. वो आइकॉनिक एड्रेस की बिल्डिंग है ये. और ये सारा मरीना है, खूबसूरत है. ये स्पॉट बहुत अच्छा है, मतलब रात को आओ वॉक करो. हाँ जनता भी ज़्यादा नहीं है. ये ऐसे ही हम लोग एक रास्ता भटकने की वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं. सुंदर लग रहा है. यहाँ तो हम जानबूझ के आए. हाँ मतलब इस जगह तो हम जानबूझ के मिस इंटेंशनली मिस करके आए हैं. देख रहे हो एकदम शांत है. और यहाँ पे आप वो वाली बाइक्स जो है ना, वो देखो ये बाइक्स जो है ना इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटर बोलते हैं इसको, वो लेकर इधर पर चला सकते हो कि दूर दूर तक जाओ. और बिल्कुल शांत है यहाँ पर. रेगिस्तान में बोगनविले फूल, सिर्फ खजूर नहीं चंपा सब कुछ लगाया है इन्होंने. बहुत ही खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है. और यहाँ पे अरबों खरबों के विला हैं इधर लोगों के. ये देखो ये विला है, यहाँ पे लोग भी घूम रहे थे. मोहित पैसा आप क्या मतंग पैसा बहुत सारा है लगा के भाई. तो तुम कहीं भी कुछ भी उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो. और ये विला देखकर आपका क्या विचार था? तो एक विला नहीं पूरा 10 विला का हरियाली का पैसा दे दिया होगा. इतना मेंटेन कर सकती है. और सागर किनारे, ये शाहरुख खान के बंगलो जैसा है लेकिन बस यहाँ पे झोपड़ियाँ नहीं है. शाहरुख खान के बंगले के सामने लोग हगते हैं मन्नत के. यहाँ पे हगने का कोई चांस ही नहीं है. इन्होंने हगेंगे तो फिर आगे 10 साल तक जेल में हगना पड़ेगा. मेरे को अभी जस्ट याद आया कि मैंने चाबी ली ही नहीं है. फिर मेरे को लगा क्या होगा, की फर्क पड़ता है. अच्छा तो चाबी ही गाड़ी में छोड़ के आ गए हो, महान हो. लेके जाना तो ले जाओ. गाड़ी में ही गाड़ी के पेपर भी रखे हैं, सब कुछ उसी में रखा हुआ है, ले जाओ. हर जगह पे थर्ड आई लगी हुई है, कैमरा हर जगह इंस्टॉल्ड है. ओके ठीक है. पीछे याच पार्टी चल रही थी एकदम पंजाबी गाने चला के. मेरे को लग रहा है कि उनके लिए भी अच्छा है, वेदर काफी अच्छा हो गया है. मतलब पता नहीं क्या पता यहाँ पे वेदर अच्छा रहता होगा तो उनको भी मजा आ रहा होगा. अब हमने थोड़ी देर यहाँ पे शांति वाला टाइम एंजॉय कर लिया. तो हम जाते हैं, देखते हैं मोहित हमें कहाँ लेके जाते हैं नेक्स्ट. ये वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग्स में है, रॉफेल्स बोलते हैं इसे, रॉफेल्स होटल है. सो हम आ गए अभी मैरियट क्योंकि मेरी एक
मतलब फ्रेंड जो है वो यहीं पर रेस्टोरेंट में शेफ है, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा उसको पिक कर लेते हैं क्योंकि वो काम नहीं रहती है। तो कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है मुझे पता नहीं, अभी पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर। तो मैं अभी आई थी मैरियट्स और देखो मैं किससे मिल रही हूँ। ये पहले ही अपनी शक्ल दिखा देनी है। हेलो प्रीति, और ये मेरे लिए क्या लेके आई है तू? आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और ताजा तेल आइसक्रीम। भाई इतने इटाली नाम जो है ना अपने को तो नहीं आते, बट हाँ ये जो भी लेके आई है तू ही बनाती है ये। और रोज इंस्टा पे स्टोरी लगा देती है ये आइसक्रीम्स की। बहुत ही अच्छा लगा, वैसे मैंने इसके हाथ में देख लिया था तो मेरे को लग रहा था ये कुछ तो लेके आई है। खाली हाथ कैसे आऊंगी। हाँ अब शेफ है तो इतना तो फायदा मिलना ही चाहिए। और हमने गाड़ी खरीद ली, आपको कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा है। आप कब गाड़ी खरीद रहे हैं फिर? इंशाल्लाह वेरी सून। पहले लाइसेंस के लिए हमें इंशाल्लाह की जरूरत होती है, गाड़ी के लिए नहीं। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, इसे हम ट्राई करते हैं। हमारे ग्रेव में तुम्हारे साथ जाने वाला है ये, तभी खत्म हो गए तो वो सोच के बनाना। टैटू बनवा के अपना फ्लैश बंद कर, टैटू आर्टिस्ट को शॉर्ट आउट दे दो। हाँ क्या नाम है उसका टैटू आर्टिस्ट? क्या बिल्ली? बिल्ली बिल्ली। अबे ये क्या नाम है? और मोहित बिल्ली और उसमें जो चॉकलेट के चंक्स है ना, सो थैंक यू। मस्त यहाँ पे होटल के पास बैठ के आइसक्रीम खा रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बातें। इस लड़की का अकोमोडेशन ये टेडी बियर किसका है? क्यों नहीं लगवाया? अच्छा अभी हम आ गए हैं प्रीति के अकोमोडेशन पे, जहाँ पर ये लोग इनको होटल से अकोमोडेशन मिलता है। यहाँ पर 5 लोग रहते हैं, 1 रूम में 3, 1 रूम में 2। और मैंने आपको दिखा दिया हॉल, बाकी सब सो रहे हैं। ये चिप्स लेके आई है क्योंकि कुछ तो खाना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ आपकी गाड़ी है सिक्योर। अभी इसका स्विमिंग पूल, इसका नहीं वो बंद हो गया। और जिम बोल, तेरा शिफ्ट ही यही है तो इसी टाइम में आ सकती है जिम? नहीं आ सकती, प्रॉब्लम है जिम आने के लिए मेरे को वो अकोमोडेशन जाना पड़ेगा। अब तो मेरा अकोमोडेशन, हाँ उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। मैं ये मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने कहा नहीं कैमरा ऑन करते फिर मिलेंगे। चलो ठीक है, हाय नहीं अपा, फिर मिलेंगे। बाय 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 मोहित, बाय बाय बोल भैया, कांग्रेचुलेशन, मजे से रहो, बाय बाय, टेंशन मजे से। हाँ ओके चल, गुड नाइट। अच्छा तो अभी हम ड्राइव करके आए, मैं आपको बताना चाहती हूँ दुबई में ड्राइव करने के लिए पेज ऐप जो होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो गूगल से जो स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट होता है ना, वो स्लाइड लेफ्ट वो एकदम मोड़ पे आके बोलता है। और दुबई की ड्राइविंग थोड़ी ट्रिकी होती है, तो इसलिए आपको पहले से अगर पता रहे कि यहाँ पे मुड़ना है तो वो बेटर रहता है। तो आप वेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसके थ्रू आप ड्राइव करो। और ये हैं मेरे पति देव। क्या खा रहे हो आप? दाल भात भुजिया और आम की चटनी जो हमें आज ही हमने खरीदी है। आम तो दाल भात भुजिया मैं दिन में बनाई थी, पका हुआ आम भेज दिया था वालों ने। तो आपने क्या किया? पैसे वापस मांग लिए, दे दिए उन लोगों ने पैसे वापस। हमने बोला था यार ये आम ले जाओ, ये पके पके आम दे गए हो आप नून वालों को, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम रिफंड कर देते हैं। लेकिन एक थोड़ा आधा कच्चा था तो मैंने नींबू का रस मिला के आम की चटनी बनाई है। तो चलो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अंकुड़ी बिंदास। आई कैन सी द एंड बट आई विल सी इट थ्रू।